ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सुधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। छांदोग्य के सप्तम अध्याय के ऊपर विचार चल रहा है। मंदाधिकारी के लिए उपासना है, मध्यम अधिकारी के लिए ध्यान है, अथवा शाखा चंद्र न्याय से उसी परब्रह्म का ज्ञान कराना है। तो नाम से प्रारंभ करके कहाँ तक पहुँच गए? ध्यान तक पहुँच गए। नाम के बाद क्या कहा? बाघ। बाघ के बाद मन। मन के बाद संकल्प। नहीं, संकल्प के बाद चित्त के बाद ध्यान। ध्यान तक पहुँच गए तो फिर पूछा कि ध्यान से बढ़कर कोई है क्या? ही चलेगा क्या? षष्ठ खंड चलेगा ना? कहाँ? षष्ठ खंड का क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, षष्ठ खंड का दूसरा मंत्र नहीं हुआ, ये कह रहे हो? नहीं, तो एक ही साथ है भैया। मंत्र का उच्चारण नहीं किया? सयो ध्यानम ब्रह्म इति उपासते नहीं कहा? अच्छा, ऐसा है तो बोल देते। सयो ध्यानम ब्रह्मेत्युपास्ते यावध्यानस्य गतम् तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो ध्यानम ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो ध्यानाद् भूय इति ध्यानाद् भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति। ये ध्यान है। शास्त्रों में जो उपास्य का स्वरूप बतलाया है उसे शास्त्रोक्त विश्वरूपी आलंबन में भिन्न जातीय वृत्ति से व्यवहित नहीं, अव्यवहित। तो समान जातीय वृत्तियों का प्रभाव है। प्रभाव मतलब संतान, उसको कहते हैं ध्यान। ठीक, वो जो ध्यान है, ध्यान तो वृत्ति रूप हुआ उसमें जो
ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करता है ना। तो जिस समय एकाग्रता हो रही है उसी समय ही ब्रह्म का ध्यान करे, यही तात्पर्य हुआ। तो ध्यान का विषय जितना है वहां पर यथेष्ट आचरण होगा, विचरण होगा, अर्थ तो पहले की तरह हुआ, बाकी तो सब हो गया था ना भाई। तो ये पूछा गया कि ये ध्यान से बढ़कर कोई है क्या? बोलते है तो उसका उपदेश करो। अब है सप्तम खंड, विज्ञानम भाव ध्यानाद भूयो, विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति, यजुर्वेदं सामवेद आथर्वणं चतुर्थ मिथ्याहास पुराणं पंचमं, वेदानां वेदं पित्रं राशिं देवं निधिं, वाको वाक्यो मेकायनं देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां, छत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां, सर्पदेवजनविद्यां, दिवं च पृथिवीं च वायुं च आकाशं च पांश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशुंश्च वयांसि च तृणा वनस्पती श्वापदान्या कीट पतंग पिपीलकं दर्वं च दर्वं च सत्यं च धृतं च साधु च साधु च हृदयज्ञं च हृदयज्ञं च नम च रसं चेमं च लोक ममं च विज्ञानेनैव विजानाति, विज्ञानमुपास्येति। देखो ये विज्ञान है। यदि भी कहीं कहीं ज्ञान से परोक्ष ज्ञान है, विज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, अनुभव रूपी ज्ञान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विज्ञान का अर्थ भाष्यकर भगवान कहेंगे शास्त्र में प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञान। ये कहा शास्त्रार्थ विषयम विज्ञान, ठीक है ना। पहले तो ध्यान कह दिया था भाई कहीं भी बुद्धि को लगाओ, है ना, लेकिन आप कहते नहीं विज्ञान पूर्वक ही ध्यान होता है। जिस उपास्य का आपको ध्यान करना है, उपास्य का स्वरूप को जानो पहले शास्त्र से, तब जाकर के उत्कृष्ट ध्यान होता है। इसलिए शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञान जो है ये हो गया विज्ञान। यहाँ पर ऐसा विज्ञान हो जाने पर ही ध्यान होता है, उत्कृष्ट ध्यान। इसलिए ध्यान के प्रति विज्ञान क्या हुआ, कारण हो गया, इसलिए ये उत्कृष्ट हुआ। ये बोलते हैं विज्ञानम भाव ध्यानाद भूयो। विज्ञानेन वा ऋग्वेदम, ये अन्य सहचर व्यतिरिक्त सहचर को बोल रहा है। विज्ञान हो तो सबको जानेगा, तो जानेगा कैसे, इसलिए ऋग्वेदम जो विजानाते विज्ञानेन वा, वा मतलब क्या, हाँ बा मतलब वो नहीं है विकल्प, बा मतलब बई, ठीक है कि नहीं। इसलिए बा और री में क्या संधि नहीं हुई, संधि होनी चाहिए कि नहीं, क्या संधि आदगुण होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आदगुण होना चाहिए था, आदगुण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मालूम है किसी को, बोलो क्यों नहीं होगा, इतना बोलिए। ये उत्तर हुआ लो बचा कल से, क्यों नहीं हुआ इतना उत्तर दीजिए, बोलो।
असिद्ध है। कौन असिद्ध है, किसके प्रति है बोलो? आदगुण असिद्ध हुआ किसके प्रति बोलो? धर्मद बोलो, कौन किसके प्रति असिद्ध हुआ? आदगुण असिद्ध है किसके प्रति? लोप सकल के प्रति असिद्ध है। कोई और कोई बोल सकते हैं बोलो? जो लोग पढ़े हैं सरल है ये। कौन किसके प्रति असिद्ध हुआ ये निश्चय नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर लोप साकल्य से लगा है कि नहीं लगा है? तो कौन असिद्ध हुआ? लोप साकल्य से असिद्ध है आदगुण के प्रति। अब लोग उल्टा बोल रहे हैं ना कि आदगुण असिद्ध है। आदगुण के प्रति लोप साकल्य से जो कार्य हुआ ना वो असिद्ध है, इसलिए आदगुण नहीं लगा, इसलिए ये बोलना चाहिए। ठीक है, तो पूछने से आप लोगों का स्पष्ट होता है ना, इसलिए पूछते हैं। इसलिए कोई कोई नाराज हो जाते हैं भी, क्या बार बार पूछते हैं, तो पूछना पड़ता है ना, है ना। और कोई आप लोग भी कोई पूछ सकते हैं ऐसे ना, लेकिन शास्त्र सम्मत श्रद्धा पूर्वक पूछे कोई, नहीं तो वो जो थे ना उसकी तरह नहीं पूछना। तो ये है, विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति। उसके बाद यजुर्वेद को भी जानता है, सामवेद को भी जानता है। चौथा है अथर्ववेद, इतिहास पुराण। पांचवा वेदानम वेद क्या है नारायण, ये सब पहले अर्थ हो गया, सब व्याकरण है। पितृ जानते हो हैं, जो श्राद्ध आदि का जो ज्ञान है। राशि क्या है, गणित। और देवम क्या है, भूकंप आदि का ज्ञान, उत्पाद ज्ञान जिसको कहा। निधि जानते, नव निधि सब है। वाको वाक्यम तर्क शास्त्र। एकायनम होता है नीति शास्त्र। देव विद्या, हाँ देव विद्या क्या है, निरुक्त कोश निरुक्त है। ब्रह्म विद्या हो गया वेदांग। भूत विद्या है, भूत विद्या क्या है, है जो भूत संबंधी लोक संबंधी जो विद्या है। छत्र विद्या किसको बोलते हैं, धनुर्वेद को बोलते हो। नक्षत्र विद्या ज्योतिष हो गया है ना। और सर्पोदेवचन विद्या जो विष का जो ज्ञान है, गरुड़ मंत्र सब, केवल इतना ये उपलक्षण हो गया। बाकी जितने विद्या ले लो सब, दीवाम चब ये सब शास्त्र है ना, ये सब सर्पोदेवचन विद्या सब शास्त्र ही है। ये ज्ञान न हो तो शास्त्र में क्या है, कैसे कहोगे? ज्ञान तो होना चाहिए ना। दीव लोग है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, और जल है, तेज है, देवता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, और क्या नारायण तृणा है, वनस्पति है, ये सब का वनस्पतिन। आगे क्या है, स्वापदानी। स्वापदानी के लिए कौन होता है, हिंस्र जंतु होता है, हिंस्र जंतु को बोलते हैं। ठीक है नारायण, क्योंकि दिया स्वापदानी हिंस्र जंतु, पहले बता दे आया था पहले याद है, सुना इव आपतजस्य, सुना इव आपतजस्य, स्व सह अथवा तानी स्वापदानी हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा कहा। तो मतलब हिंस्र जंतु है, कुत्ते की तरह जिसकी आपत्ति है ना, मतलब विपद संकट संकट, हिंसा जनते को है ना विश्वास नहीं करना चाहिए। कब क्या कर देगा पता है, कब काट देगा पता नहीं लगता है कि नहीं, इसलिए विश्वास नहीं। तो आ कीटक पतंग, कीट पतंग है, पिपली का है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ये भी जानेगा नहीं, सत्य क्या है और अनृत्य क्या है। सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात न ब्रयात सत्यम अप्रियम कहते कि नहीं, अप्रियम च नानृतम ब्रयात ऐसा धर्म सनातन। ये सत्य क्या है, अनृत क्या है ये भी जानता है। जो शास्त्र
जो जैसा नहीं है ऐसा बोले तो क्या होगा, मिथ्या है ये, अनृत मिथ्या वचन हो गया। ठीक है हाँ, नहीं तो ये भी तो ये सत्य है कि अनृत है, जैसे कह दिया अः अंधे बोल दिया, अंधे को अंधा बोल दिया, अंधे को अंधा बोल दिया, सत्य है कि अनृत है? नहीं, अंधे को अंधा बोल दिया तो नहीं हुआ, अप्रिय हो गया ना, अप्रिय हो इसको अनृत नहीं कहा जाएगा। लेकिन ऐसे उसको भी सत्य नहीं कहा जाएगा जो ये क्या बोलते हैं, जो किसी को अच्छा लगने से सत्य हो जाएगा, ये भी नहीं है। नहीं तो लोगों को हंसाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो सत्य है क्या वो? ऐसा भी नहीं है। सत्य भी हो और क्या हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सत्य क्या है, अनृत्य क्या है, ये सब ज्ञान से होगा, साधु क्या है और साधु क्या है। ठीक, साधु मतलब अच्छा, और साधु जो अच्छा नहीं है। हृदयज्ञम, हृदयज्ञ जो हृदय को जानने वाला हो गया, मतलब कौन एकदम खास मित्र हो गया, नहीं, और जो नहीं है हृदयज्ञ हो गया, अन्न को भी जानता है, रस को भी जानता है, इमम लोकम अमम जो इस लोक को भी जानता है, पुल लोक को भी जानता है, शास्त्र से जानेगा। इसलिए ये अन्न सच्चार हो गया ना, नहीं ये यदि ना हो तो किसी का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान से तो सब जाना जाएगा, शास्त्र आदि का, लोक आदि का, सबका। इसलिए बोलते हैं विज्ञान है ना एवं विजानाति, ये विज्ञान से ही सबका ज्ञान होता है। ठीक, विज्ञान मतलब क्या, यहाँ पर वृत्ति रूपी ज्ञान, शास्त्रार्थ विषय का वृत्ति रूपी ज्ञान, ये कह रहे हैं। वृत्ति न हो किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा को छोड़कर, है ना, जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं, है कि नहीं, ये सब वृत्ति से तो होगा। आत्मा के लिए कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। ठीक, विज्ञान है ना एवं विजानाति, इसलिए इसके बिना ध्यान तो होगा नहीं, इसलिए विज्ञानम उपास्यो, ध्यान बढ़कर हुआ, इसलिए ध्यान में ये विज्ञान में इसलिए तुम ब्रह्म के दृष्टि से उपासना करो। विज्ञान वृत्ति यहाँ पर, भाष्य को विज्ञानम भाव ध्यानात भूय, विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम, यह नारायण बोबरी समास है। शास्त्रार्थ विषयो यस्य ज्ञानस्य तद्ज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम, बोलते ये बढ़कर क्यों हुआ विज्ञान, तस्य ध्यान कारणत्वात्, तस्य मतलब विज्ञान से, ये जो विज्ञान है ये ध्यान का कारण है। उपास्य का स्वरूप जो ज्ञान ना हो तो उपास्य का ध्यान कैसे करेंगे हम? ठीक है, इसलिए का ध्यानात् भूयस्तम, इसलिए ध्यान रूपी क्रिया की अपेक्षा से कारण होने के कारण ये जो है विज्ञान बढ़कर हुआ। अच्छा जी, विज्ञानस्य उक्त भूयस्तम प्रश्न पूर्वकम दर्शयति। ठीक है, तो विज्ञान जो है ध्यान रूपी क्रिया से बढ़कर हुआ, इसको कहते हैं प्रश्न पूर्वकम। प्रश्न कैसे हुआ, भाष्यमय प्रश्न, कथम च तस्य भूयस्तम, तो बोलते हैं कि प्रमाण के बिना तो ये सिद्ध होगा नहीं, है लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा वात्रण, विज्ञान ध्यान से बढ़कर है, इतना कहने मात्र से विज्ञान में भूयस्त सिद्ध नहीं होगा, आपको प्रमाण दिखलाना पड़ेगा। प्रमाण यही है अन्न सहचार व्यतिरिक्त सहचार, इसलिए अन्न सहचार के मंत्र में बता दिया था विज्ञान न वारिक वेदम भी जानाती, अयम ऋग्वेद इस प्रकार से जानेगा वो। अयम ऋग्वेद ये ऋग्वत का है कि नहीं, ये जानेगा।
इति प्रमाणतया, ये देखो प्रमाण है ना, ये ज्ञान हो रहा है, ये ऋग्वेद वो भी परंपरा से, परंपरा से ना ज्ञान होगा कि नहीं, कि बिना परंपरा से होगा? संदेह होने मात्र से अलक्षण होता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात अलक्षणम्। नागेश भट्ट जी कहते हैं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही संदेहात अलक्षण, है कि नहीं? इसलिए व्याख्यान ही परंपरा होता है, परंपरा से ही विशेष ज्ञान होता है, यथार्थ प्रामाणिक ज्ञान होता है। और नहीं संदेह, संदेह न मात्र से ये सूत्र अलक्षण है, शिष्ट प्रयोग नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। समझ में कि नहीं आया? इसका ज्ञापक हो गया, इसका ज्ञापक कौन है? लघु ये सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले जानेंगे, दो बार णकार का उच्चारण, नहीं क्या है? दो बार णकार का उच्चारण दो बार है माहेश्वर सूत्र में, दो बार है कि नहीं है? एक बार कहाँ पर है? अयुण में है। दूसरा ण कहाँ पर है? लण में है। देखो दो बार कहा कि नहीं कहा? ये हो गया ज्ञापक, इस परिभाषा में ज्ञापक होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए किस सूत्र में किस ऋणकार को लोगे, कैसे जाना जाएगा? व्याख्यान से। और दिस सवर्ण से में अण प्रत्याहार पर को लिया जाएगा और अन्यत्र पूर्व को लिया जाएगा, तो ये ज्ञान कैसे होगा? व्याख्यान से परंपरा से ना होगा ना। इसलिए कहते हैं कि ये प्रमाण है, ऋग्वेद प्रमाणतया यस्य अर्थ ज्ञानम ध्यान कारणम, है कि नहीं? यस्य कहने से ऋग्वेदस्य, ऋग्वेद में जो कहा गया प्रतिपाद्य है कि नहीं, उसका अर्थ का ज्ञान होगा। यस्य मतलब वेदस्य अर्थ ज्ञानम ध्यान कारणम, वो ध्यान का क्या होगा? कारण होगा। इसी अगर बाकी में ले लीजिए, तथार्थ यजुर्वेदम इत्यादि, यजुर्वेद है सब बाकी को ले लेना चाहिए। किंच थोड़ी टीका है, यद्यपि प्रमाणतया तद्ज्ञानम शास्त्रार्थ ज्ञान पूर्वकम तथापि, ये देखो भाई प्रमाण के रूप से जो सब ज्ञान हो रहा है ना शास्त्रार्थ ज्ञान पूर्वकम, शास्त्रार्थ ज्ञान पूर्वकम, पूर्वम यस्य ज्ञानस्य, इतने मात्र से विज्ञान को ध्यान के प्रति क्या कहोगे? भूयस्त श्रेष्ठ कैसे कहोगे? तत्रा हो, देखो यस्य ये कह दिया, यस्य अर्थ ज्ञानम ध्यान कारणम, यस्य कस्य भाष्य माया, यस्य यस्य से क्या लेंगे? ऋग्वेदस्य, ऋग्वेद का जो अर्थ ज्ञान हुआ है ना वही कारण बन जाएगा, किसके प्रति? ध्यान के प्रति। ठीक है, उपास्य स्वरूप का ध्यान करना है। अच्छा जी, इतश्च तस्य ध्यानाद भूयस्तम इति आह, इससे भी तस्य कहने से कौन? विज्ञानस्य, ये जो विज्ञान है शास्त्रार्थ विषय का ज्ञान, ये ध्यान से बढ़कर है। इसलिए भी कहते हैं किंच भाष्य में, पश्वादिश्च धर्माधर्मो शास्त्र सिद्धौ, ये देखो भैया शास्त्र में सिद्ध है धर्माधर्म, और बाकी व्यवहार में सिद्ध ही पशु पक्षी आदि, इसका भी तो ज्ञान होता है। ठीक है, आपके मन का संबंध ना हो घट के साथ, घट के साथ ना हो, ठीक है ना? हाँ, इसको कहते हैं भी चिदाभास का संबंध, वृत्ति को लेकर के चिदाभास का संबंध किसके साथ हो जाएगा? घट के साथ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, फिर जो है वृत्ति जाकर अज्ञान को दूर करेगी, आभास ना घटस्फुरित घटम स्फुरित, है ना? चिदाभास से घट का स्फुरण होगा, तो वृत्ति यदि ना हो तो चिदावास का संबंध नहीं होगा, मतलब आपका संबंध होगा नहीं किसके साथ?
घट के साथ ज्ञान कैसे होगा, अयम घटा हा, ये ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए वृत्ति के बिना, घटाकार वृत्ति के बिना ये ज्ञान नहीं होता है। कहाँ पर? घटा में। इसको कहते हैं ज्ञातता। क्या कहते हैं वेदांती लोग? उसको ज्ञातता। घट ज्ञान, घट का ज्ञान हुआ ना, तो घट में ज्ञातता उत्पन्न हुआ, इसलिए ज्ञातता से विशिष्ट घट हो गया। वृत्ति न हो तो घट में ज्ञातता धर्म नहीं आ सकता। ठीक है। साधु असाधुनी, साधु का भी ज्ञान है असाधु का भी ज्ञान है। साधु असाधुनी लोकत्व व्यवहार में भी, कौन साधु है कौन असाधु है व्यवहार में सब जान लेते हैं। हेलो, साधु असाधुनी, हाँ यहाँ क्या विभक्ति है? साधु असाधुनी क्यों भाई? साधु असाधुनी क्या विभक्ति है? स्वरूप चेतन जी महाराज बोलो। साधु आगे क्या, असाधु प्रातिपदी क्या है मालूम है नहीं मालूम? साधु असाधु उकारांत प्रातिपदी के नपुंसक लिंग में प्रथमा द्विवचन द्वितीय द्विवचन क्या बनेगा? नपुंसक ना है नहीं समझ में आया? साधु शब्द नपुंसक में, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है नपुंसक में, नपुंसक में द्वितीय द्विवचन क्या बनेगा? ओ को क्या आदेश होता है? सी आदेश होता है मालूम है? नपुंसकाच। अब उसको नो मागो हो जाएगा, इकोची विभक्त नपुंसक में, लोग में आए, लोगों में ये सब प्रक्रिया है। तो साधु असाधु प्रातिपदिक साधु असाधु, लोक में लोकत लोक से, स्मार्ते अदृष्ट विषम च, अस्मृति में भी जो अदृष्ट स्वर्ग आदि उसका भी ज्ञान होगा वृत्ति से। सर्वम विज्ञान एव बिजानाति, सब जो है वृत्ति रूपी विज्ञान से ही ये जीव जानता है बिजानाति। ठीक है कौन जानता है बिजानाति? बिजानाति का चिदाभास जीव, जीव जानेगा इसको। तस्मात् युक्तम ध्यानात् विज्ञानस्य भूयस्तम, इसीलिए जो है ये ध्यान के प्रति ये विज्ञान बढ़कर हुआ। भूयस्त फलम, भूयस्त बोले विज्ञान ध्यान से बढ़कर है तो क्या मिला इससे आपको? कुछ मिलेगा? मिलेगा उपासना करनी है उपासना करने है ना, इसलिए कह रहे हैं देखो। अतो विज्ञानम उपास्यति भाष्य में, अतो मतलब किस लिए? ध्यान से बढ़कर विज्ञान है, इसलिए उस विज्ञान जो वृत्ति है उसमें ब्रह्म के दृष्टि से क्या करो? उपासना करो। हो गया? जैसे भी हो मन लगना चाहिए परब्रह्म में बस जैसे भी लग जाए उपासना में लगाना है। अच्छा आगे देखो नारायण, दूसरा मंत्र है। सयो विज्ञानम ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकाय ज्ञानवतो अभिसिद्धते यावद् विज्ञानस्य गतम् तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो विज्ञानात् भूय इति विज्ञानात् भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति। अच्छा जी, तो कहते हैं स यो, जो कोई उपासक विज्ञानम ब्रह्मेति उपास्ते, विज्ञान में ब्रह्म की दृष्टि से क्या करता है? उपासना करता है।
तो उनको कौन सा फल मिलता है? बोलते हैं बहुत फल मिलता है, लोकान। लोकान अभिसिद्धति, लोकार्थ फल स्थान, ऐसे स्थान में वो जाएगा। बोलते हैं जहाँ पर जो है ना ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर ज्ञानी रहेंगे, सब बुद्धिमान रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं विज्ञान बतो लोकान, ये लोकान का विशेषण हो गया। विज्ञान बतो, भाई विज्ञान बतो बोले विज्ञान वाला, तो विज्ञान वाला आदमी होता है कि विज्ञान वाला स्थान होता है? विज्ञान कहाँ रहेगा, आदमी में रहेगा कि वो स्थान में रहेगा? आदमी में रहेगा, समझ में आएगी? नहीं, यहाँ पर क्या करो, लक्षण कर लो। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, लक्ष्य लक्षण कर लो, है ना। जैसे जैसे कहते हैं इक, व्याकरण सुन रहे हो ना, इक इक होना चाहिए, इक इक आया है ना, तो इक का अर्थ क्या होता है, इक का अर्थ क्या होता है, एक होता है कि कितना, हाँ यू रिल इतना है, केवल इतना है कि और कोई भी है, यू और भी है क्या है? हाँ पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए हाँ एक वाच्य वाच्य लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एक वाच्य वाच्य, स्ववाच्य वाच्य में लक्षण करते हैं, इसलिए एक प्रत्यार का अर्थ होता है क्या, स्ववाच्य वाच्य। हाँ जिन लोग ठीक से पढ़ना चाहते हैं अथवा पढ़ाना चाहते हैं, पहले ठीक से समझो फिर दूसरे को समझा सकते हो। इसलिए एक प्रत्यार का अर्थ होता है स्ववाच्य वाच्य, क्या कहेंगे, स्ववाच्य वाच्य कहेंगे, ठीक है। इसलिए एक का वाच्य होगा ई, पहले एक को ले लो ई, और ई का वाच्य कितना है, 18 हो गया। इसमें अगर ओ कह दिया, एक का वाच्य ओ, पर ऊ का वाच्य 18, इस बगैर आगे भी ले लो, इसको कहते हैं तदवाच्य वाच्य में लक्षण होती है। तदवाच्य वाच्य कहो अथवा स्ववाच्य वाच्य कहो, इसको कहते हैं निरूढ़ लक्षण भी कहते हैं, निरूढ़ लक्षण कह दो अथवा लक्षित लक्षण कह दो। कल परसों मुझे बताया था द्विरेफो गुंजति, द्विरोप की लक्षण कर दिया भ्रमर शब्द में, फिर भ्रमर शब्द की लक्षण कर दिया कहाँ पर, कीड़े में कर दिया, और तो बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, इसी प्रकार से। इसलिए विज्ञान का अर्थ विज्ञान वाला, विज्ञान का अर्थ विज्ञान वाला व्यक्ति हो गया, और विज्ञान वाला व्यक्ति जहाँ रहता है, कहाँ रहता है, स्थान में रहता है, समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इसलिए विज्ञानवत कौन हो गया, स्थान, स्थान हो गया, ठीक है। विज्ञानवत मतलब शास्त्रार्थ विषय का ज्ञान जिसको है, ऐसा व्यक्ति जहाँ पर है, ऐसे व्यक्ति, एक नहीं है बहुत सारे ना, विज्ञानवत वही स लोकान, है ना। और क्या बोलते हैं, केवल इतना नहीं, शास्त्र का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन रोटी बनाने का ज्ञान नहीं हो तो भूखा नहीं रहेगा, बनाना नहीं आता है, भिक्षा भी नहीं मिल रही तो क्या करेगा, तो बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, मतलब व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान में कुशल व्यक्ति जहाँ पर हो, पहले विज्ञान का अर्थ हो गया शास्त्रार्थ विषय ज्ञान, और यहाँ पर ज्ञानवत में जो ज्ञान आया, यहाँ पर लौकिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान वाले व्यक्ति जहाँ पर है उस स्थान को प्राप्त करेगा, अभिसिद्धति, पकड़ माया। यावत विज्ञान से गतम, जहाँ तक विज्ञान की गति है मतलब विषय है, वहाँ पर वो स्वच्छंद होता है, विचरण करता है, बाकी का अर्थ तो समान ही है। फिर विज्ञान से बढ़कर कौन है, तो पूछा है विज्ञान से बढ़कर है। भाष्य देखो, सुनो उपासना फलम, ये विज्ञान में उपासना जो करते हैं इसका फल हो गया विज्ञान अवतलोकन। तो आगे लिखे भाष्य का देखो, विज्ञानम येसु लोकेशु, ये देखिए विज्ञान कहाँ रहता है, आदमी में रहेगा कि स्थान में रहेगा, आदमी में रहेगा। तान विज्ञान बतो लोकान, ठीक है, इसलिए विज्ञान वाले जहाँ रहेंगे उस स्थान, ठीक है। और ज्ञान बतो अभिसिद्धति, ज्ञान से वही लेना है, व्यावहारिक ज्ञान, विज्ञान से शास्त्र का ज्ञान,
और ज्ञान से सामान्य मतलब ये व्यावहारिक ज्ञान है, ठीक है। ये सब जानना पड़ता है ना। जैसे मान लिया गुरु आ गए शिष्य आ गए, गुरु आ गए शिष्य आ गए, ठीक है। तो किस में परमात्मा नहीं है, गुरु में नहीं है कि शिष्य में नहीं है, दोनों में। देख पूजा किसकी करोगे, गुरु की पूजा करनी पड़े, ये तो सामान्य ज्ञान है। नहीं, एक को देव सर्वभूतेषु गुण, ऐसा करेगा क्या? एक को देव सर्वभूतेषु गुण हम किसी को भी कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो कोई भेद ही नहीं है। वेदांत की चर्चा हो रही है। ये व्यवहारिक ज्ञान कहा जाएगा? नहीं, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए ना, ठीक है। ये है विज्ञानम, देखो लिखे यहां पर भाष्यकर, थोड़ी सी टीका ले लो। ज्ञान विज्ञान शब्दयोर अर्थभेदम कथयति। ये देखो ज्ञान और दूसरा क्या कह दिया है, विज्ञान। एक में उपसर्ग है, एक में उपसर्ग नहीं है, विज्ञान में भी उपसर्ग है, दोनों में अर्थ का भेद है, दोनों में अर्थ का क्या है, भेद है, ठीक है। और वहां पर जो विज्ञान है ना वो अलग है, ध्यान में रखो। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो विज्ञान शब्द का अर्थ अलग है। वो वहां पर जो विज्ञान में जो लुट प्रत्यय और भाव में हो, समझ में। विज्ञप्ति रीति विज्ञानम, मतलब ज्ञान स्वरूप, स्वरूप भूत ज्ञान है वो, वृत्ति रूपी ज्ञान नहीं है वो। और यहाँ पर जो विज्ञान में जो है ये वृत्ति रूपी ज्ञान है। हाँ, यहाँ पर करण में है ना, विज्ञायते अनयति विज्ञानम, यहाँ पर करण अर्थ में लुट है, ठीक है। ये समझना चाहिए। विज्ञानम मतलब शास्त्रार्थ विषयम, शास्त्र में जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसका जो ज्ञान है इसको कहते हैं विज्ञान, समझ में कि नहीं। और ज्ञानम शब्द से अन्य विषयम नैपुण्यम, अन्य विषयम कहने से अन्य से क्या लेंगे, शास्त्र से अन्य, शास्त्र से अन्य मतलब व्यवहार, व्यवहार व्यवहारिक विषय का ज्ञान है यह नैपुण्यम, ये तात्पर्य हुआ। ये ज्ञान का अर्थ क्या होगा, नैपुण्यम निपुणता है ना। तो ऐसे लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा होती है ना, विद्वान की अपेक्षा से इसके भी, ऐसे लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा होती है, होती है ना, व्यवहार ज्ञान होता है। लोग तो व्यवहार को पहले देखते हैं कि आपको ये शास्त्र ज्ञान को देखेंगे, पहले व्यवहार को देखते हैं, नहीं। थोड़ी टीका है। तथापि लोकानाम अचेतनानाम कुतस्तत उभयाश्रत्तम, ठीक है भाई, लोक तो जड़ होता है अचेतन होता है, नहीं लोक को प्राप्त करेगा ऐसे कहा। लोक मतलब स्थान भाई, वो तो जड़ होता है अचेतन होता है, वो दोनों का आश्रय कैसे होगा, विज्ञान का भी आश्रय नहीं होगा और ज्ञान का भी आश्रय नहीं होगा, ठीक है। तब तो उत्तर क्या दे रहे हैं, देखो तद्भिर, हाँ तद्वद्भिर युक्तान लोकान प्राप्नोति इत्यर्थ, ये देखो है ना, तद्भिर से तत् क्या लेंगे, ज्ञान, कैसे ज्ञान और विज्ञान, ठीक है। उससे जो युक्त लोग, ज्ञान वाले विज्ञान वाला जिसमें है, ऐसे स्थान को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, है ना। इस पर लक्षणा करके ले लीजिए। यावत विज्ञान से इत्यादि पूर्ववत, यावत विज्ञान से गतम जो कहा इसका अर्थ दो पूर्व प्रक्रिया के अनुसार, बराबर ही है। सप्तम खंड हो गए, कहाँ तक पहुंच गए, विज्ञान तक पहुंच गए। अष्टम खंड देखिए। बलम भाव विज्ञानाद् भूयो अपि सतम विज्ञानवताम् एको बलवान आकंपयते स यदा बली भवति अथो उत्थाता भवति उत्तिष्ठन परिचरिता भवति परिचरण उपसत्ता भवति उपसीदन द्रष्टा भवति श्रोता भवति
मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेन अंतरिक्षम बलेन द्यौर बलेन पर्वता बलेन देव मनुष्या बलेन पशवश्च भयांश्च तृणा वनस्पतयः स्वापदान्या कीट पतंग पिपीलकम् बलेन लोकस्तिष्ठते बलमुपास्येति कहते हैं कि वो कहा था ना कि ये विज्ञान से बढ़कर कोई है क्या, ये पूछा था है ना द्वितीय मंत्र के लास्ट में पूछा था कि नहीं कि जो है अस्ति भव विज्ञान भूयते, तो बोलते है विज्ञान से बढ़कर है। तो विज्ञान से बढ़कर क्या है, बोलते हैं बल। विज्ञान से बढ़कर क्या है, बल। बल ठीक है, बोलते हैं कि जो है बलम बाव विज्ञानात भूयो, विज्ञान से बल बढ़कर है। बोलते हैं आपके कहने से क्या होगा, बोलते हैं कि जो है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बोधेस्तु कुतो बलम कहा गया, कहा गया कि नहीं कहा। आप कह रहे कि जो है बल तो विज्ञान से बढ़कर है, ऐसे कहते हैं ना। देखो कितने भी शास्त्र को पढ़ लो है ना, और सौ आदमी भी विद्वान लोग बड़े बड़े विद्वान है, प्रस्तांतरे भी सब पढ़े हैं है ना, बृहत प्रस्तांतरे भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, और एक हाथी आ गया तो सब भाग जाएंगे इधर उधर। एक हाथी भी डरा देते है कि नहीं, देखो। अरे हाथी छोड़ो, बंदर डरा देता है भोजनालय में, क्या डरा देता है भोजन, और डंडा लेकर जाओगे तो वो भी जान लेता है ये मुझे मारेगा कि ऐसे डरा रहा है, बंदर बहुत चालाक होता है कि नहीं। हाँ मैंने पहले कहा ना, हाँ एक यहाँ पर था बड़े पढ़े लिखे थे, मेरे से पढ़ते थे भी वो। उसको मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा, महाराज जी कहे वो भोजनालय में भोजन चल रहा था, हाँ तो भोजन परस रहा था वो, तो बोले कि वो बंदर को भगाओ, एक बांस था बड़ा डंडा, बांस बांस तो बांस के लंबा था, बांस के ऊपर पतला रहता है कि नहीं, तो किधर पकड़ना चाहिए, पकड़ना किधर चाहिए बताओ ना, हैं मोटे की तरह ना, वो पकड़ा पतले को, बांस ही नीचे हो गया। वो बंदर को भगाएगा। बड़े विलक्षण होते हैं। तो शास्त्र का ज्ञान तो है उनको। तो कहते हैं कि अपि शतम विज्ञानवताम, सैकड़ों व्यक्ति जो है विद्वान लोग एकत्रित है, लेकिन कोई एक बलवान आ गया, हाथी है व्याघ्र है जो भी है, आ कंपयते, वो कंपा देता है, वो डरा देता है, वो सब हिल हिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए बल हो कि नहीं, बल बल, ये बल जो है वो बढ़कर हुआ, विज्ञान से भी बल बढ़कर होता है। ठीक है, और अन्यत्र तो कह दिया नायम आत्मा बलहीन लभ्य, बल है ये तो, शारीरिक बल भी होता है, हृदय का बल भी होता है ना, गुरु की सेवा आदि करते हैं अभी बताएंगे, ये सब शारीरिक बल हो गया है ना, दूसरों की सेवा करोगे ये कौन सा बल हो गया, शारीरिक बल हो गया, और घर छोड़ करके आते हैं कौन सा बल है, हृदय बल है वो, मन का बल है वो, है कि नहीं, वो हृदय बल मन का बल है वो भी महत्व का होता है। ठीक है, दोनों चाहिए। स यदा बली भवती, इसलिए साधक जब बलवान होता है ना, शरीर में जब बल है ना, मन में भी तो होना चाहिए बल, हृदय में भी बल होना चाहिए है ना, केवल शारीरिक बल से नहीं होता है, मन में भी बल होना चाहिए, नहीं तो 4 बजे नहीं उठ सकते फिर है ना, घंटी बजते फिर घंटी को दबा दे फिर सो जाएगा, ऐसा है ना, है ना, तो घंटी बजते ही तुरंत उठ जाना ये क्या है,
ये कौन सा बल है? मन का बल है, ये शरीर का बल नहीं है। शरीर रुग्ण होने पर भी व्यक्ति उठ जाता है, ये कौन सा बल है? मन का बल है। ठीक है। अथो उत्थाता, बल जब रहता है तो व्यक्ति क्या करता है? उत्थाता भवति। हाँ, मतलब उठता है समय पर। उठता है मतलब 9 बजे उठेगा ऐसा नहीं, समय पर उठेगा वो। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, उत्थाता। ठीक है ना, क्या है? हाँ, उत्थाता में क्या होगी संधि? उत्थाता में संधि बोलो कोई। उत्थाता में क्या संधि है बोल सकते हैं? कोई ऊपर का नहीं पूछ रहा हूँ, जो पढ़े हो वही पूछ रहा हूँ। उत्थाता में संधि क्या होगी कपिल महाराज, बताओ? उत्थाता, हाँ, लघु उदय को स्मरण करो। नहीं, हाँ, उद प्लस थाता क्या है? उद प्लस थाता क्या है? हाँ, उद नहीं, उद पहले बाद में, उदस्तंभ, उदस्थास्तंभ हो पूर्वस्य, पूर्व सवर्ण हुआ तो संधि क्या होगी? उद द द उद, आगे बोलो, आगे क्या है? स्थाता, किसको क्या आदेश हुआ? किसको क्या आदेश हुआ? सकार को थकार हुआ, क्या हुआ? सकार को थ होगा, हाँ, दो थकार हो गए हैं, तो पूर्व थकार वो क्या होगा? खरी च से चर होने पर त होगा, फिर उद के द होने पर चर होने से क्या होगा? त हो गया, उद त आगे थ, तो बीज वाला थकार का क्या हो गया? लोप हो गया। और बता रहे थे झरो झरी सावन से लोप हो गया, तो क्या बनेगा? उत्थाता। ठीक है, ये लघु में आपके देख लीजिएगा, हल संधि में। इसलिए उत्थाता भवती मतलब उठना है ना, और उठ करके क्या करता है? पहले चाय पिएगा ही, गुरु की सेवा करेगा, हैं? तो उत्तिष्ठा, उत्तिष्ठान परिचरिता भवती, वो गुरु की क्या करेगा? सेवा करेगा। ठीक है, गुरु की सेवा करेगा तो गुरु को प्रसन्न कर लेता है सेवा करते हुए। लिखा गुरु तो शरणात, हैं, सवर्णाश्रम धर्मेणा, हैं, सवर्णाश्रम धर्मेणा, आगे क्या है भैया? सवर्णा समुद्रमेण तपसा, हरि तोषणाद भी होता है, गुरु तोषणाद दो है, हरि तोषणाद भी होता है, गुरु तोषणाद भी है। मंत्र में गुरु तोषणाद है उपनिषद में, और बाकी लौकिक वाक्य में हरि तोषणाद है ना, चाहे हरि को चाहे गुरु को, एक ही है। ठीक है, हाँ, ऐसा कहा। और फिर अंत में कह दिया कि साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्, स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा गुरुतोषणा साधनम भवे प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। ये विवेक वैराग्य आदि ऐसा नहीं होता एक दिन में, है ना, बहुत महापुरुषों की कृपा से देखो। अब महापुरुष की कृपा तब होगी, ये गुरु की कृपा तब होगी, जब आप वर्णाश्रम के अनुसार निष्काम भाव से क्या किए हो? सेवा किए हो। ठीक है, तब जाकर चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने पर वैराग्य आदि चतुष्टय होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर ही मंत्र में कह रहे हैं कि हाँ, उत्तिष्ठतन प्रातः काल में उठ करके उपचरिता भवति, गुरु की सेवा करता है। तो परिचरण गुरु की सेवा करते हुए कैसा होता है? उपसत्ता भवती, मतलब समीप हो जाता है। किसका समीप हो जाता है? गुरु का। गुरु का समीप, गुरु को प्रसन्न करता है, तब तो समीप हुआ। तो कहते हैं उपसीदन, मतलब गुरु के समीप जाते हुए, तात्पर्य क्या हुआ? गुरु को प्रसन्न करते हुए, अंतरंग बनते हुए। ठीक है, दृष्टा भवती, गुरु का दर्शन भी कर लेता है ना, वो दर्शन नहीं है, सब तो देख ही रहे हैं सब लोग, उधर चित्र भी टंगा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, उसका सदुपयोग कर लेता है वो, क्या करता है? गुरु के असली धन को प्राप्त कर लेता है। असली धन क्या है?
विद्या विद्या गुरु की कृपा वो प्राप्त कर लेता है, इसलिए कहते हैं दृष्टा। जैसे हम देखने जा रहे हैं बोलते हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं महापुरुष का। हाँ दर्शन करने जा, दर्शन सब लोग करने जाएंगे, नहीं जा सकते। जो अंतरंग होता है ना, जो श्रद्धावान होता है, वो देखने नहीं जाता है, क्या करने जाता है, दर्शन करने जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं दृष्टा होती है, दर्शन कर लेता है गुरु का, ठीक है, गुरु कृपा को प्राप्त कर लेता है। अरे गुरु कृपा से तो श्रवण मनन ध्यान करेगा, ये कह रहे हैं श्रोता होती, श्रवण कर लेता है, मनन कर लेता है, मनता होती है ना, और फिर क्या है, निध्यासन पूर्वक ज्ञान को ही प्राप्त कर लेता है, बोधा भवति, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त होने पर उपदिष्ट साधन को भी पालन कर लेता है, अनुष्ठान कर लेता है, कर्ता भवति। मतलब क्या, गुरु से उपदिष्ट जो साधन है वो साधन भी संपन्न कर लेता है, कर्ता भवति साधन का, ठीक है। और साधन जब करेगा सच्चाई से तो साधन के फल को भी प्राप्त कर लेगा। बोले विज्ञाता भवति, विज्ञाता का अर्थ अनुभवीता, भोक्ता, साधन के फल को भोग कर लेते हो, है ना, अनुष्ठान फल से अनुभवीता भवति। इसलिए क्या हुआ, बल बढ़कर हुआ ना, ये सब कब होगा, ये सब तब होगा यदि बल हो तो, शरीर में यदि बल हो तब तो गुरु की सेवा आदि करेगा, है ना, ऐसा कहा। बले ना भई पृथ्वी तिष्ठति, बल से ही पृथ्वी खड़ी है, बल से ही अंतरिक्ष है, बल से देव है, पर्वत है, देव मनुष्य है, देवता मनुष्य को, अथवा जो है जो देव रूपी मनुष्य कह लो, देव गुण देवी गुण संपन्न मनुष्य कह लो, ये भी बल से ही तो है। बल से पशु है, पक्षी है, तृणा वनस्पति है, कीट पतंग सब हो गए, हिंसा जंतु भी है, स्वापदाने, है ना, पीपली को ये, उसमें भी बल चाहिए, चींटी में भी क्या चाहिए, बल चाहिए, है ना। हाँ एक बार चींटी जो है ना बहुत तेजी से मार्ग से इस पार से उस पार जा रही है, चींटी चींटी, और नारद जी तो विचरण करते हैं ना, तेजी से चींटी दौड़ रही है तो नारद जी ने पूछा अरे क्यों दौड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बोले अभी बोलने का समय नहीं है, बाद में बोलेंगे, है ना। तो अचानक जो राजा का रथ आ गया हाँ, उधर पार हो गया वो, हाँ रथ चला गया, पर चीटी देव सांस लेकर बोले देखो तुम्हारी बात में यदि मैं रह जाती हाँ तो मेरे ऊपर रथ जाता तो क्या होता, इसलिए जो है भगवान ने थोड़ा सा बल दिया था तब तो मैं उस पार जा पाई है कि नहीं, बल चाहिए। भाष्य देखो, बलम बाव अभिज्ञानाद भुजः, बल क्या है, अन्न उपयोग जनितम, ये अन्न का उपयोग करने पर जो बल होता है शरीर में, सामर्थ्य है वही बल है। ये मनसो विज्ञेय प्रतिभान सामर्थ्य, ये देखो भाई ज्ञान जो होगा ना ये बल तो होगा तब ना, इसलिए जानने में जो प्रतिभान के लिए जो सामर्थ्य है कि नहीं, वो सामर्थ्य कहाँ होता है, मन में होता है, मन में भी बल अन्न से होता है कि नहीं। अच्छा जी, जथोक्ते बल शब्दार्थे सेतु केतु वाक्यम प्रमाणयति, पहले भी सेतु केतु था ना, उद्दालक का सेतु के संवाद में उसने कहा कि जो है तुम ना खाओ, कितने दिन तक ना खाओ, कहा रात में, दिन में मैं नहीं रात में भी नहीं, ऐसे भी तो लोग होते हैं एक टाइम खाते हैं, ऐसे भी आजकल प्रक्रिया हो गई, एक टाइम खाओ बिल्कुल दबा कर खाओ, ऐसे भी आजकल एक डॉक्टर लोग बोलते हैं आजकल, एक बार खाओ लेकिन दबा कर खाओ बस, हाँ दबा खा कर तो सो जाएगा फिर ऐसा नहीं है। तो 15 दिन 15 रात तक कुछ खाया नहीं, लेकिन पानी पीते रहो बोल जा रहा, नहीं तो छूट ही जाएगा प्राण। फिर 16वां दिन में 1 कला बज गई ना, तो 16वां दिन में आया था बोलो क्या सुनाओ क्या तुम पढ़े हो, तो श्वेत ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी भान मुझे नहीं हो रहा भाई, इतना जानता हूँ कि आप मेरे पिताश्री है, मैं आपका पुत्र हूँ भाई, इतना ही जानता हूँ, ज्यादा कुछ जानता ही नहीं। पर 1 कला बची थी कि नहीं, इसलिए 1 कला बचने से क्या थोड़ा सा ज्ञान हो रहा था,
परिपक्व स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा था क्योंकि मन में बल नहीं है। इसको प्रमाण दिखला रहे हैं, देखो अनसनाद ऋगादिनी न वही माँ प्रतिभांति भो इति सुते है, ये कहा ना सुदे का चुना, इसलिए न खाने के कारण ये ऋगादिनी जो वेद जितने भी पढ़े थे शास्त्र, ये कुछ भी मुझे भान नहीं हो रहा है, स्मरण कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ऐसा कहा इति सुते है। अच्छा जी, कथम तरी शरीर सामर्थ्य बल शब्द प्रयोग है ना, तो भाई देखो बल तो भाई जो क्या है जल से भी होता है बल है, तो केवल अन्न से क्यों कहते हो, शरीर में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को बल शब्द से कह रहे हो, है कि नहीं, किसके लिए कह रहे हैं, शरीर में जो सामर्थ्य है उसी को बल शब्द कह रहे है ना, तो कैसे देखो कहते शरीर अपी तदेव उत्थानादि सामर्थ्यम यस्माद विज्ञान बताम सत्यम अपि एक प्राणी, तदेव कहने से क्या हुआ, केवल जल पीने से बल होगा क्या, अन्न भी चाहिए, क्या चाहिए, अन्न जल पीते रहो तो शरीर चलेगा, कब तक चलेगा, अन्न भी चाहिए ना, इसलिए कहते अन्न उपयोग जनितम एव, अन्न का उपयोग के बिना बल नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं कि शरीर अपी तदेव उत्थानादि सामर्थ्यम, अन्न का ग्रहण करने पर ही शरीर में भी वही बल होता है, उठने आदि के लिए सामर्थ्य जो है बल होता है, यस्मात क्योंकि विज्ञान बताम सत्यम अपी एक प्राणी, ये देखो ये सैकड़ों व्यक्ति है, विद्वानों की सभा चल रही है ना, एकत्रित है विद्वान, और कोई जो आ गया बलवान कोई प्राणी आ गया, एक भी हो ज्यादा नहीं, एक बलवान व्यक्ति आ गया, व्यक्ति का हिंसा जंतु आदि ले लो, वो क्या करता है सबको कपा देते हो, आ कंपयते, दृष्टांत क्या है, यथा हस्ती, हाथी आ गया और क्या, और हाथी भी सीधा साधा हाथी नहीं है, पालतू हाथी नहीं है, मत्त है एक निमद मस्त है वो मनुष्याणाम सतम समुदित, ये मनुष्यों के जो एकत्रित हुए हैं सतम, सैकड़ों व्यक्ति को जो एकत्रित हुए है, ऐसे एकत्रित व्यक्ति को क्या करता है, डरा देता है, हिला देता है, ठीक है थोड़ी सी, न केवलम कारणत्वाद एव बलम विज्ञानात भूय, है ना, ये जो बल है विज्ञान से बढ़कर है, क्यों, कारण होने से, ठीक है, कारण कौन हो गया, बल, कार्य कौन है, ज्ञान, विज्ञान, वृत्ति रूपी विज्ञान है ना, ये मन में जो बल ना हो तो वृत्ति कहाँ होगी, नहीं हो सकती, ठीक है, केवल कारण होने से बल को भूया श्रेष्ठ कहते हैं ऐसी बात नहीं, किंतु प्रत्यक्षम तस्य तत्व भूयस्तम, ये जो भूयस्त है ये प्रत्यक्ष है, तस्य कस्य कस्य विज्ञान से, विज्ञान में भूयस्तु है, बल में भूयस्तु है, विज्ञान से बढ़कर बल है, इसलिए तस्य कहने से बलस्य भूयस्तम, ततो उसकी अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से, विज्ञान की अपेक्षा से, ये प्रत्यक्ष दिखा दिया, हाथी का दृष्टांत दे दिया, हाथी डरा देता है, यस्मात कह दिया था ना, यस्माद विज्ञान अवताम सतमपि एक प्राणी बलवान आकंपयते के बाद कर दो, तस्माद बलस्य विज्ञानात भूयस्तम इति शेष, इतना अध्ययन कर लो, इसलिए विज्ञान के अपेक्षा से बल बढ़कर हुआ समुदितम अपि, भाष्यमय समुदितम, समुदितम का अर्थ क्या है, बताया ना भाई, एकत्रितम, समुदित का अर्थ एकत्रितम, एकत्रित हुए हैं सौ विद्वान तो सौ विद्वान को यदि हिला देता है और दो चार विद्वान हो तो फिर कहना क्या है, है कि नहीं, यदि के मुक्ति न्याय हो गया ना, टीकाकार कहते हैं देखो, समुदितम अपि कंपयते तथा अन्यत्रापि द्रष्टव्यम इति संबंध, अन्यत्र कहने से कम ज्यादा, ज्यादा छोड़ दो कम ले लो, है ना, दो चार विद्वान यदि हो तो कहना क्या है, कम संख्या में सौ संख्या को यदि हिला देता है
यदि कम संख्या यदि हो तो कहना क्या है, हो गया ना। टीका थोड़ी सी, यस्मात एवं बलस्य कारणत्वम, इसलिए बल हो गया कारण है किसके पीछे से, विज्ञान के पीछे, और विज्ञान से कार्यत्वम, विज्ञान हो गया कार्य, तस्मात ततस्तद्भूयस्तम, इसलिए विज्ञान के अपेक्षा से बल बढ़कर हुआ। इति एतस्मिन् अर्थे, इसके विषय में कार्य कारण भावम एतयो, दोनों में कार्य कारण भाव है, विज्ञान हो गया कार्य और बल हो गया कारण, इसी चीज को दिखलाते हैं भाष्य में। यस्मात् भाष्य में आया देखो, एवं अन्नादि उपयोग निमित्तम बलम, अन्नादि आदि से क्या लेंगे, आदि से जल ले लो और क्या, आदि से जल, अन्न भी चाहिए जल भी चाहिए, जल न हो तो भोजन पचेगा नहीं पचेगा, अन्नादि उपयोग के निमित्त से जो बल होता है कि नहीं। तस्मा सब पुरुषो जदा बलि, वो पुरुष जब बलवान होता है, शरीर मन में बल आता है, बलेना तदवान भवती यथा उत्थाता, मतलब उत्थान से करता, वो प्रातःकाल उठता है और उठ करके सेवा करता है, उत्तिष्ठंच गुरुणाम आचार्यस्य च परिचरिता, अपना गुरु हो, गुरु कह दिया आचार्य कह दिया, हैं दोनों एक ही के अलग अलग है, कहीं एक भी हो सकता है कहीं अलग अलग भी हो सकता है, नहीं होगा, एक से आपने मंत्र लिया और विद्या अध्ययन करो दूसरे से, और कहीं जिससे गुरु मंत्र लिया उसी से विद्या भी लेते हो, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं एक भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों कह देते गुरु नाम आचार्यस्य च परिचरिता, उसकी सेवा करता है ना, किसके, दोनों की करेगा कि एक ही करेगा, दोनों की करने पड़ती है। गुरु नाम आचार्यस्य च परिचरिता, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो, भगवान आचार्यस्य बोल दिया, एक वचन कह दिया, और गुरु नाम बहुवचन, तो एक ही गुरु, एक ही बहुत गुरु है, तो गुरु नाम कैसे कहा, हाँ सम्मान वाचक तो हो सकता है ना, और सम्मान वाचक नहीं कहेंगे तो, सम्मान वाचक नहीं कहेंगे तो अनेक गुरु नहीं हो सकते, बोलो विचार करो, हो सकता है कैसे होगा, क्या जाति, कहाँ से तुम जन न्याय घटा रहे हो भाई। देखो जिससे मंत्र लिए हो वो भी गुरु है, माता भी गुरु है, बोलो पिता भी गुरु है कि नहीं है, है ना, ये सब गुरु है कि नहीं, इसको भी गुरु लेना है, ठीक है। तो गुरु नाम आचार्य सच परिचरिता, और परिचरणा से शुश्रूषाया है कि नहीं, शुश्रूषाया करता भवती, सेवा कर लेते हैं ना, और सेवा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, परिचरण उपसत्ता तेषां समीपो अंतरंग, ये उपसत्ता का अर्थ देखो, गुरु के समीप हो जाते हो, गुरु का अंतरंग बन जाता है, मतलब प्रिय भवति, वो गुरु का प्रिय बन जाता है, इसलिए गुरु का प्रिय होना है तो क्या करो, सेवा करो, हृदय से सेवा करनी पड़ती है, और कोई उपाय तो नहीं है, आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकर केशवं केतुरभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति, नमः शिवाय।